मॉर्निंग पॉलिटेक्निक फैमिली, मैं आप सबों का पॉलिटेक्निक फैमिली चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम लोग फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लैब से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। आज हम लोग सीखेंगे कि डिस्क्रीट कंपोनेंट ट्रेनर बोर्ड क्या है, इसका हम कैसे यूज करते हैं। तो आइए हम इनके फंक्शन के बारे में सीखते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये हमारे पास डिस्क्रीट कंपोनेंट ट्रेनर बोर्ड है। तो इसमें देखिए क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहले तो देखिए, ये हमारे पास पावर ऑन ऑफ का स्विच है। इसके बाद देखिए, आपको यहाँ पे फिक्स डीसी सप्लाई मिला है। फिक्स डीसी सप्लाई में क्या है, यहाँ देखिए प्लस 5 वोल्ट है और ये हमारा ग्राउंड है। तो यानी आपको देखिए 4 पॉइंट मिलेगा, 1, 2, 3, 4। ये जो 4 पॉइंट है, ये आपका दिखाएगा प्लस 5 और ये आपका ग्राउंड माइनस। हम जानते हैं कि डीसी में एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। तो ये आपका 4 पॉइंट प्लस को दिखाएगा और 4 पॉइंट नेगेटिव को दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, हमारे पास यहाँ फिक्स एसी पावर सप्लाई है। इसका क्या काम है, फिक्स एसी पावर सप्लाई का वर्क है 10 वोल्ट जैसे है, तो ये हमें एसी देगा, 10 वोल्ट का एसी देगा। ये हम 0 और यहाँ प्लस देंगे तो ये हमें 10 वोल्ट एसी देगा, और हम दोनों अगर 10-10 ले लें तो ये हमें 20 वोल्ट एसी पावर देगा। और यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, वेरिएबल डीसी पावर सप्लाई। वेरिएबल डीसी पावर सप्लाई क्या देगा, यहाँ पे देखिए 0 से 3 वोल्ट का आउटपुट है, तो ये हमें वेरिएबल, यहाँ देखिए एक जो नोब है इसे हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा के एडजस्ट कर सकते हैं जितना हमें वोल्टेज की ज़रूरत हो, 0 से 3 वोल्ट तक। और देखिए ये हमारा क्या है, आउटपुट 0 से 30 वोल्ट देगा। हम यहाँ पर इसके नोब को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा के एडजस्ट कर सकते हैं 0 से 30 वोल्ट तक को। इसके बाद देखिए, हमारे पास यहाँ पे विभिन्न यानी डिफरेंट टाइप के रजिस्टर है, 47 ओम, 50 ओम, जैसा कि हम चाहेंगे कुछ कर सकते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ डिफरेंट टाइप का रजिस्टर है और सबका यहाँ पे वैल्यू लिखा हुआ है, 47, 56, 100। जो हमारा रिक्वायर होगा रजिस्टर, हम यहां से ले सकते हैं। जैसे यहां पे 3.3 किलो ओम है, 1 किलो ओम है, यानी डिफरेंट टाइप के रजिस्टर हैं यहां पे दिए हुए हैं। अब और यहां देखिए, ये देखिए हमारा कैपेसिटर का सिंबल है। हमारे पास डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर भी हैं और सबका मान भी है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.01 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर लगा हुआ है, 0.2 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर लगा हुआ है, सेम टू सेम। और यहाँ देखिए हमारे पास 3 LED है। LED का फुल फॉर्म क्या हुआ, लाइट इमिटिंग डायोड। उसके बाद देखिए हमारे पास ये जो है, ये है हमारे पास इंडक्टर 1 mH का और 30 mH का। ये हमारे पास देखिए डायोड है और यह स्पेशल टाइप का डायोड है जिसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल है जेनर डायोड। इसे हम जेनर डायोड बोलेंगे, स्पेशल पर्पज डायोड है जिसका यूज हम वोल्टेज रेगुलेटर बनाने में करते हैं। इसके बाद देखिए डिफरेंट टाइप का हमारे पास नॉर्मल डायोड है, जिससे कि हम बहुत सारे के हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर या जो हमें वर्क हो हम बना सकते हैं। अब देखिए ये हमारे पास ट्रांजिस्टर है, 4 ट्रांजिस्टर है, जिसमें 2 NPN ट्रांजिस्टर है और 2 PNP ट्रांजिस्टर है। उसके बाद हमारे पास जो ये चार पॉइंट है, इसको हम पोटेंशियोमीटर बोलेंगे। देखिए हमारे पास पोटेंशियोमीटर में 3 पॉइंट दिया हुआ है। हमारे पास वेरिएबल, यानी इसका मतलब हुआ कि हमें 1 किलो ओम तक वेरिएबल आउटपुट या वोल्टेज दे सकता है रजिस्टर। 1 किलो ओम तक हमें दे सकता है, या 10 किलो ओम तक, या 1000 किलो ओम तक, और ये हमारा 470 किलो ओम तक वेरिएबल आउटपुट हमें दे सकता है। अब आते हैं हम अपना मल्टीमीटर से, ये जो फिक्स डीसी पावर सप्लाई है या कैसे काम करता है, आइए आप लोग को हम दिखाते हैं। जैसा कि हम आपको प्रीवियस वीडियो में मल्टीमीटर को चलाना सिखाए थे, आप इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं कि यह मल्टीमीटर कैसे चलाते हैं और इसमें कैसे हम मेजर करते हैं। तो आइए, जैसे कि हमारे पास यहाँ देखिए, हम इस मल्टीमीटर को यहाँ पे ऑन किए हैं। जैसा हमें यहाँ फिक्स डीसी पावर सप्लाई को मेजर करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे अपना पॉइंट को देखेंगे कि हमारा क्या डीसी में जा रहा है कि नहीं। हम जानते हैं कि मल्टीमीटर में देखिए, ये हमारा वोल्टेज जो है यह क्या दिखा रहा है, डीसी को दिखा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या है, 5 वोल्ट है, तो जब भी हम रखेंगे 5 वोल्ट से ऊपर वाला, तो हम अपना नोब को कहाँ पे रखेंगे,
20 वोल्ट पे फिक्स करेंगे, कहाँ पे रखेंगे, 20 वोल्ट पे, और ये हमारा नेगेटिव लीड हो गया और ये हमारा पॉजिटिव लीड हो गया। तो देखिए हम अपना नेगेटिव लीड को यहाँ पे और पॉजिटिव लीड को यहाँ पे जब फिक्स करते हैं तो देखिए ये 5 वोल्ट जो फिक्स है, ये देखिए हमें अपना आउटपुट में भी 5 वोल्ट यहाँ पे दे रहा है। अब देखिए मैंने जैसा कि आपको बताया था यहाँ पे चार जो पॉइंट है ये आप किसी से भी ले सकते हैं, अपना कोई भी पॉइंट आप यहाँ किसी से भी आप ले सकते हैं। ये हमारा फिक्स वोल्टेज 5 वोल्ट आउटपुट देगा। अब देखिए हमारा इसके नीचे क्या है, फिक्स एसी पावर सप्लाई। फिक्स एसी पावर सप्लाई में देखिए हमारे पास यहाँ पे देखिए एसी का साइन बना है, वोल्टेज के आगे साइन का बना है सिंबल, जिसका मतलब हो गया कि ये हमें एसी वोल्टेज को बताएगा। तो एसी वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट। तो 10 वोल्ट हमें तो हम यहाँ पे अपना 20 पे फिक्स करेंगे। इसको सबसे पहले अपने नोब को हम 20 पे फिक्स करेंगे, और जैसा कि हम जानते हैं कि एसी में पॉजिटिव और नेगेटिव कोई मायने नहीं रखता है, तो देखिए हमें ये एसी पावर सप्लाई कितना दे रहा है। थोड़ा सा इसमें फ्लक्चुएशन है जिसके वजह से यह 10 की जगह 11 दिखा रहा है, तो उससे आप लोगों को घबराना नहीं है, यह एरर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में होता ही है। ओके, उसके बाद देखिए अब हमें हमारे पास 10 ये प्लस है और यहाँ भी 10 है, तो ये हमें 20 वोल्ट को दिखाएगा। तो हम यहाँ पे जो है 20 वोल्ट से इसको फिक्स नहीं करेंगे, इसको जब भी देंगे हम अधिक देंगे, तो इसको हम 200 वोल्ट पे फिक्स किए हैं। अब देखिए हमें कितना वोल्टेज ये एसी दिखा रहा है, ये हमें दिखा रहा है 22 वोल्ट एसी, जबकि हमें कितना होना चाहिए, 20 वोल्ट ही होना चाहिए था, लेकिन ये हमें क्या दिखा रहा है, 22, हल्का सा इसमें डिफरेंस है। अब देखिए हमारे पास क्या है, वेरिएबल डीसी पावर सप्लाई। वेरिएबल डीसी पावर सप्लाई का क्या काम है, देखिए जब हम अपना पॉजिटिव यहाँ पे पहले इसको तो हम पहले अपना वेरिएबल डीसी है तो इसको सबसे पहले हम डीसी पे लेके आएंगे, उसके बाद हम जब 0 से 3 वोल्ट है तो हम अपना 20 वोल्ट पे यहाँ फिक्स करेंगे। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे अपना एडजस्ट अपना पॉइंट को यहाँ पे डालेंगे। अब देखिए इसके नोब को ज्यों ज्यों हम क्लॉक वाइज डालते जा रहे हैं, घुमाते जा रहे हैं, हमारा जो वैल्यू है वह देखिए बढ़ते जा रहा है। हमें जो वैल्यू रिक्वायर होगी उस हिसाब से हम अपना पॉइंट को एडजस्ट करेंगे और उसका हम यूज कर सकते हैं। जैसे हमें 2 वोल्ट की आवश्यकता होगी तो 2 वोल्ट पे हम फिक्स करके इसका मान ले सकते हैं। सेम टू सेम हमारे नीचे में देखिए यहाँ पे फिक्स कितना है, 0 से 30 वोल्ट डीसी। तो 0 से 30 वोल्ट के लिए हमें यहाँ फिक्स अपना नोब को चेंज करना होगा और यहाँ 200 वोल्ट डीसी पे डालना होगा। फिर हम सेम टू सेम अपना नोब को यहाँ पे डालेंगे, इसके बाद फिर हम अपना देखते हैं जो हमें अपना एडजस्ट करना होगा, हम अपना वोल्टेज को वहाँ पे फिक्स करके अपना देखिए क्लॉक वाइज करते जा रहे हैं, हमारा वोल्टेज का मान धीरे धीरे इंक्रीज करते जा रहा है, और इसको हम एडजस्ट करके हमारा जो हमें लेना होगा आउटपुट में डीसी वोल्टेज हम उस पर फिक्स करके अपना मान ले सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट में, यह लाइन हमारा कंप्लीट हो गया, ये हमारा फिक्स डीसी पावर सप्लाई था, ये फिक्स एसी पावर सप्लाई था, ये वेरिएबल डीसी पावर सप्लाई है ये 0 से 3 वोल्ट, और ये वेरिएबल डीसी आउटपुट सप्लाई है 0 से 30 वोल्ट। अब आते हैं हम रजिस्टर पे, रजिस्टर का मान मल्टीमीटर में कैसे मेजर करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कितना ओम है, 47 ओम है, 47 ओम को मेजर करना है। तो सबसे पहले देखिए हम अपना मल्टीमीटर में इसको ओम पे ले जाएंगे, कितना है 47, तो जब भी हम रखेंगे 47 से अधिक पे नोब रखेंगे, तो जैसा मैंने यहाँ पे रखा है 200 ओम पे मैंने अपना मान रखा है। आइए हम अपना रेजिस्टेंस का मान अब मेजर करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं रेजिस्टेंस एक बायलेटरल डिवाइस एलिमेंट है, तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव कोई मायने नहीं रखता है। तो अब देखिए हम यहाँ पे अपना रेजिस्टेंस का मान मेजर करते हैं, तो देखिए कितना हमें बता रहा है। जैसा कि यहाँ हमारा रेजिस्टेंस का मान 47 ओम था, तो देखिए सेम टू सेम हमें पूरा 47 तो नहीं, हल्का सा डिफ्लेक्शन है इसमें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है इसमें थोड़ा एरर आता ही है, तो ये कुछ एरर के साथ हमें 45.5 ओम दे रहा है। नेक्स्ट वाला ओम देखिए कितना दे रहा है, नेक्स्ट वाला रेजिस्टेंस, नेक्स्ट वाला देखिए सेम टू सेम 46 ओम हमें दे रहा है। इसी प्रकार जितना यहाँ पे ओम है हम उसको मेजर कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमारा 4.7 किलो ओम है, इसे हमें मेजर करना है। देखिए आप यहाँ पे 4.7 किलो ओम लिखा हुआ है,
अब देखिए हमें इसे मेजर करना है, तो सबसे पहले हम अपना मल्टीमीटर को यहाँ फिक्स करेंगे। यहाँ 4.7 है तो हम यहाँ पे 2K पे रखेंगे, नहीं मेरा 4.7 2K से अधिक है, तो इसको हम रखेंगे 20 किलो ओम पे। 20 किलो ओम पे रख के हम अपना 4.7 किलो ओम को देखिए मेजर करते हैं। देखिए हमारा 4.7 किलो ओम है और यहाँ पे देखिए 4.6। यहाँ देखिए यूनिट जरूर आप लोग देखिए कि यहाँ पे देखिए यूनिट क्या लिखा हुआ है, यूनिट यहाँ पे लिखा हुआ है किलो ओम में 4.6 अप्रॉक्सीमेट हमें 4.7 किलो ओम दिखा रहा है। सेम वर्क हम यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए ये हमारा क्या है, कैपेसिटर लगा हुआ है। हमारे पास डायोड है और हम डायोड में जानते हैं क्या होता है, या किसी एक ही डायरेक्शन में करंट को अलाउ करता है। तो देखिए हम सबसे पहले अपने मल्टीमीटर में आते हैं, इस पिन को हम अपने डायोड पे डालेंगे। देखिए ये हमारा पिन अब डायोड के आगे आ गया है। अब देखिए हम अपना डायोड को मेजर करते हैं कि हमारा डायोड सही है या गलत है। देखिए जब हम इस डायोड को फॉरवर्ड एनोड को पॉजिटिव और कैथोड को नेगेटिव दे रहे हैं तो देखिए हमारा मल्टीमीटर में कुछ डिफ्लेक्शन होने लगा, ओके, जो हमें दिखाता है कि हमारा डायोड अभी फॉरवर्ड बायस में है। जब इसको हम चेंज करते हैं तब हमारा डायोड का देखिए कोई डिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए, अगर कोई भी डिफ्लेक्शन आया इसका मतलब है कि हमारा डायोड ख़राब है। तो देखिए जब हम इसको रिवर्स बायस में कर रहे हैं तब देखिए यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, जो हमें इंडिकेट करता है कि हमारा डायोड क्या है, सही है, ओके। इसके बाद देखिए ये हमारा क्या है, ट्रांजिस्टर है, NPN, PNP, तो ट्रांजिस्टर को भी हम चेक कर सकते हैं या NPN है या PNP है। जैसा कि ये NPN है तो ये देखिए हमारा लीड क्या है, नेगेटिव, और ये पॉजिटिव को शो कर रहा है यहाँ पे। तो NPN अगर ये है तो ये भी डायोड की, इसको भी हम डायोड पे ही रखेंगे, डायोड के सिंबल पे ही, और हम इसको चेक करेंगे कि हमारा ये NPN है या नहीं है। तो NPN मतलब NP और N, तो अगर ये NPN है तो NP को ये क्या करेगा, फॉरवर्ड बायस में कंप्लीट कर देगा। तो देखिए NPN को फॉरवर्ड किया है, और यहाँ पे देखिए इसको अगर हम उल्टा लगाते हैं, अगर हम PNP लगा के, तो देखिए ये हमें कोई डिफ्लेक्शन अभी नहीं देगा। यहाँ देखिए हमें कॉन्स्टेंट वैल्यू ये दे रहा है, जिससे कि हमें पता चला कि यह हमारा ट्रांजिस्टर जो है NPN है या PNP है। अब मान लीजिए इस ट्रांजिस्टर को हमें चेक करना होता ये NPN है या PNP, तो हम जानते हैं कि NPN हमारे पास ये P है ये N है, तो अगर ये PNP होगा तो ये P होगा ये N, अगर इसको हम P और N देंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आना चाहिए, डिफ्लेक्शन आना चाहिए। देखिए हम चेक करके देखते हैं कि ये हमारा डिफ्लेक्शन फॉरवर्ड बायस में आ रहा है कि नहीं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये हमारा PNP ट्रांजिस्टर है, तो इसको हम P N और P करके देखते हैं। देखिए अगर हमारा ये फॉरवर्ड बायस करेंगे इस ट्रांजिस्टर को तो यहाँ पे देखिए डिफ्लेक्शन आएगा, देखिए यहाँ पे डिफ्लेक्शन आया है, ओके। अगर ये NPN होता तो ये देखिए इसे हम लगाते हैं इसको नेगेटिव, तो देखिए ये हमारा कॉन्स्टेंट दे रहा है, जिससे कि हमें सेम टू सेम पता चल रहा है कि ये हमारा कौन सा ट्रांजिस्टर है, ये हमारा PNP ट्रांजिस्टर है। और देखिए ये हमारा क्या है, पोटेंशियोमीटर है, जिसके एक नोब पे फिक्स करके हम जैसे कि यहाँ पे 1 किलो ओम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको इंक्रीज करके 2 किलो ओम पे ले आएंगे। ये देखिए हमारा वेरिएबल 1 किलो ओम तक यह वोल्टेज देगा, हम इसे 1 किलो ओम तक वोल्टेज को यहाँ से क्या कर सकते हैं, डिफ्लेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो रिक्वायर्ड वैल्यू होगा इसको हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करके हम 1 किलो ओम तक यहाँ से क्या कर सकते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस का मान ले सकते हैं। आशा करता हूँ कि मैं आप लोगों को आज डिस्क्रीट कंपोनेंट ट्रेनर बोर्ड के बारे में इंट्रोडक्शन क्लास में समझाने में सफल हो पाया हूँ। यदि आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल माय पॉलिटेक्निक फैमिली।